सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोली तुलसी मैया की जय। तुलसी आराधना घर में, तुलसी मैया का सेवा, तुलसी महारानी का सेवा हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी तुलसी महारानी अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को, भगवान राम जी को, भगवान सालग्राम जी को, भगवान नारायण को तुलसी अधिक प्रिय है। हम जब भी सेवा करते हैं, तुलसी के बिन भगवत सेवा पूर्ण होता ही नहीं है। भगवान को हम भोग भी लगाते हैं तो तुलसी के बिन कभी भगवान प्रसाद ग्रहण करते ही नहीं है। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यकता है। तो हम जब तुलसी जी में, तुलसी मैया का आराधना करते हैं तो संध्या के काल में हम दीपक ले जा करके तुलसी मैया को दीप दर्शाते हैं, आरती करते हैं और वहाँ पर दीपक जलाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि तुलसी मैया के सामने दीपक कैसे रखना चाहिए। केवल आरती करके दीपक जला करके आ गए बस हो गया। तुलसी के क्यारे में हम रोज दीप प्रज्वलन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये पता नहीं होता क्या हम अच्छा करते करते कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे, रोज दीपक जला रहे। अरे सामने वाले तो जलाते नहीं, हम तो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ वाले हैं, रोज दीप जला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन में भाव तो आ रहा है, लेकिन कहीं हमारे दीपक से तुलसी मैया को कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है, ये भाव आता नहीं है। देखिए तुलसी महारानी विराजमान है, हम गए दीप जलाए और हम बिल्कुल पास ले जा करके, बिल्कुल करीब ले जा करके दीपक को जला करके आ जाते, फिर हमें मतलब ही नहीं है कैसा जल रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं है। और उस दीप के कारण से तुलसी मैया मुरझा जाती। कई घर में ऐसा देखने को मिलता है, रोज़ दीपक जला रहे हैं एकदम पास ले जा करके और उस दीपक की वजह से तुलसी सूख रही है, ये भी गलत है, ये हम कष्ट दे रहे हैं। हम तुलसी को माँ कहते, महारानी कहते, उनको हम तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो जब भी तुलसी के क्यारे में दीप प्रज्वलन करिएगा तो थोड़ा सा दूर दीप दर्शाइए और अलग थोड़ा सा दूर आप दीपक को रखिएगा, क्योंकि हम अपने दीपक की वजह से तुलसी मैया को कष्ट नहीं दे सकते। थोड़ा सा एक भी पत्ता अगर मुरझा गया तो उसका पाप भी हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा दूर ही दीपक रख के आ जाए, प्यार से बोलना पड़ेगा।